तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और सुबह के 11 बज रहे हैं, हम लोग घर से निकल चुके हैं। रंजीत जी अपने ऑफिस जा रहे हैं अपने कागज पत्र का काम के लिए कुछ, तो हमने भी साथ में निकल लिया। और मुझे भी कुछ काम था और मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे सामान लेने हैं, और साथ में मेरा जो कैमरा है DSLR, इसका जो कैप है फ्रंट कैप, वो कहीं गुम हो गया है, तो वो भी मुझे लेना है। तो मुझे किसी ने बताया कि बाकरगंज मार्केट के सामने कैमरे के भी दुकान है, तो शायद वहाँ मिल जाए। तो हम लोग आज बाकरगंज के मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे मुझे छोटे मोटे सामान लेने हैं। और अभी हम लोग घर से निकले हैं और अभी जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं उस रोड का नाम है भूतनाथ रोड। जो लोग पटना में बारिश बहुत तेज हो रही है, जो लोग रहते हुए पटना में जानते हो इस भूतनाथ रोड को, नाम बहुत मस्त है भूतनाथ। इस भूतनाथ रोड निकल के हम लोग NMCH पे पहुंचेंगे और फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं आज के दिन। तो रंजीत जी हमें गांधी मैदान पे ड्रॉप कर देंगे, और हमने अपनी कार नहीं ली है क्योंकि कार से घूमने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ पार्क करो, फिर जहाँ आप कहीं घूमते हो कहीं निकल गए तो फिर वापस आपको पार्किंग तक आना पड़ता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि जो अगर रिक्शा से मैं घूम सकूँ जितना उतना मुझे अच्छा लगता है, हवा खाते हुए मस्त नज़ारा देखते हुए, तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। जब कहीं पर्टिकुलर किसी जगह पर काम होता है तो मैं कार वार से जाता हूँ। तो रंजीत जी हमें गांधी मैदान तक छोड़ देंगे और फिर वापस हमें वहाँ से लेके भी आ जाएंगे। उसके बीच का जो पार्ट होगा वो हम आपको पैदल घुमाएंगे। ये सामने राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन, जो पटना जंक्शन है मेन रेलवे स्टेशन, अब ये राजेंद्र नगर टर्मिनल दूसरा रेलवे स्टेशन है पटना शहर का। तो यहाँ से भी ज़्यादातर ट्रेनें निकलती हैं, खासकर राजधानी वगैरह यहीं से निकलती हैं। ये अभी हम लोग चिड़िया टाड़ पुल पार कर रहे हैं और अभी तो बहुत ही अच्छा हो गया है। और जिस समय हम लोग यहाँ रहते थे तकरीबन 95 से 2000 के बीच में, मतलब इस चिड़िया टाड़ पुल का सिंगल लेन था, इतना ज़बरदस्त जाम होता था। मतलब यहाँ आने का मतलब सोच लो 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको इस पुल को पार करने में, है ना। एकदम मतलब माइंड में सेट था कि अगर यहाँ इधर आना है हमें तो अब 1.5 घंटा इस पुल पे लगना है, लेकिन अब तो बिल्कुल स्मूथ ट्रैफिक चलता है, अब तो जाम नहीं लगता है ना, कभी कभी लगता होगा। और ये जो सामने देख रहे हैं पटना का फेमस मौर्या होटल, जो यहाँ का सबसे पुराना लग्जरी होटल है और आज भी फेमस है। ये सामने विश्वमान होगा, तो रंजीत तो चला गया, अब वो हमें लेने के लिए वापस आएगा। हम लोग चल रहे हैं मार्केट में, हम लोग उतर गए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं रीजेंट और मोना सिनेमा जो अभी बंद है, और इधर गांधी मैदान। तो गांधी मैदान में तो अभी खाली लग रहा है, पानी वानी लगे हुए हैं, बारिश का मौसम है। तो हम लोग चलते हैं इधर बाकरगंज मार्केट की तरफ। तो यहाँ तो बाकरगंज की एंट्री है इस मार्केट से। मैं यहाँ सामने में कैमरे का दुकान देख रहा हूँ, पहले वहाँ जाकर पता कर लेता हूँ। और बारिश इतनी हुई है, रोड का स्थिति पूरा कीचड़ है, बिल्कुल कीचड़ है। टीचर बड़ा हुआ है बिल्कुल। कितने है सर? ये
तो हम लोग जब पहले आते थे बाथरगंज मार्केट में तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता था, कैसेट वगैरह मिलता था और वीडियो कैसेट वगैरह मिलता था जो हम लोग यहाँ से खरीदते थे। बहुत बार मैंने खरीदा है। अभी यहाँ मार्केट का रूप बिल्कुल बदला हुआ है, यहाँ पे सिर्फ स्टैंडी ट्राईपॉड वगैरह ये सब मिल रहा है और जो आजकल यूज़ हो रहा है ज़्यादा सामान, तो मार्केट वही है लेकिन चीज़ें बदल गई हैं। कहीं भी जाइए बारिश हो जाता है तो आप गड़बड़ हो जाता है, पूरा बारिश के पानी किच 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 किच। प्लानिंग तो बहुत सारा किए थे कि पटना में ढेर सारा वीडियो बनाएंगे, बट ये बारिश की वजह से सारा प्लान फेल हो चुका है ना। अभी तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एक्चुअली GoPro का एक माउंट खोज रहा हूँ मैं, लेकिन वो मुझे एक्चुअली मार्केट में पता नहीं है, दोनों बाकी मार्केट में है, मिल नहीं रहा है मुझे, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। दो तीन दुकानों में पूछ चुके हैं, जो चीज़ इन्हें चाहिए अभी तक मिला नहीं है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो मुझे चाहिए था GoPro का संगसंग कप माउंट, वो ओरिजिनल वाला नहीं, थोड़ा सस्ता वाला चाहिए था अच्छी क्वालिटी में, तो मुझे मिला नहीं इस मार्केट में। हो सकता है कुछ दुकानें होंगी जो मुझे पता नहीं होगा, तो मैंने दो चार दुकानों में पूछा नहीं मिला, तो हम लोग जा रहे हैं और मुझे पता भी नहीं था है कि वो कहाँ मिलेगा, तो मुझे ऑनलाइन ही परचेज करना पड़ेगा। वो मैंने सोचा इस मार्केट में आया, हो सकता है मिल जाए, मिल सकता है, थोड़ा ज़्यादा आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मार्केट तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, सब कुछ वही मिल रहा है, ट्राईपॉड माउंट ये सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मेरा वाला नहीं मिला मुझे। तो हम लोग अब मार्केट से बाहर आ गए और सामने मोना सिनेमा है और ये गांधी मैदान है, गांधी मैदान के साथ में अगर आप मोना सिनेमा के बगल से जाएं तो राइट साइड में बागड़गंज मार्केट होता है, या इसके आगे रीजेंट सिनेमा के आगे आपको बागड़गंज का मतलब मोना सिनेमा के ठीक पीछे बागड़गंज मार्केट है। तो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सामान मिल जाएंगे इसके अंदर। तो हम लोग को तो घूम फिर के बाहर आ गए और सामने सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल बंद है नहीं तो हम लोग सिनेमा देख लेते क्यों। सिनेमा हॉल बंद है और मैकडोनल्ड्स खुला हुआ है, ये सामने देखिए मैकडोनल्ड्स। और वेदिका ने कहा है फ्रेंच फ्राई ले आना। हाँ वेदिका ने कहा है फ्रेंच फ्राई लेके आने के लिए, तो मैकडोनल्ड्स अभी नहीं लेंगे, थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँचेंगे तो लेंगे। ये सामने देखिए मैकडोनल्ड्स और ये खुला हुआ है और मोना सिनेमा हॉल बंद है, सिनेमा हॉल खुला होता था तो मैकडोनल्ड्स से बैठ के टाइम पास करते, सिनेमा हॉल तो अभी खुलने वाला है नहीं। हम लोग अभी रिक्शा कर लेंगे क्योंकि बारिश होने लगा, थोड़ी सी आड़ मिल गई, कहीं अब उतर के इंतजार करेंगे रंजीत जी हमें लेने आएंगे। और ये सामने हमारे रीजेंट सिनेमा हॉल आ गया, क्योंकि जिस समय हम लोग रहा करते थे इन सब में सिनेमा दिखाया करते थे। ये देखिए सामने रीजेंट सिनेमा हॉल और इसमें बागी थ्री लगा हुआ है, लेकिन बागी थ्री नहीं चल रहा है क्योंकि अभी सिनेमा हॉल सारे बंद है। तो ये देखिए बुक मार्केट और ये जो पूरा एरिया है इसमें आपको संडे को पूरा बुक मार्केट लगा हुआ रहता है, मिल जाएगा। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही है, और बारिश हो तो भी प्रॉब्लम, नहीं हो तो भी प्रॉब्लम। तो देखिए बुक्स ये जो दिख रहा है ये सारे बुक्स लगे हुए हैं और ये बुक्स यहाँ पे आपको सस्ते मिल जाते हैं, जो बड़े बड़े ऑथर्स के बुक होते हैं जो बहुत महंगे मिलते हैं वो यहाँ पे आपको सस्ते मिल जाएंगे, तो सारे स्टूडेंट्स आके यहाँ से परचेज करते हैं। तो चलते चलते हम लोग आ गए हैं एग्जीबिशन रोड और यहीं पे आने वाले हैं रंजीत जी, तो थोड़ा देर हम लोग वेट करेंगे उनका। और सामने दिख रहा है बिग बाजार। तक रंजीत आ रहा है, उसका अगर हम लोग वेट कर रहे हैं और बैठ के मैंगो सब पी रहे हैं, तो थोड़ा समय बीतेगा उसके बाद फिर देखते हैं कब तक आता है। तो रंजीत जी आ चुके हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। बस आज हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, मेरा जरूरत का सामान था मिल गया, एक सामान नहीं मिला बट ठीक था, थोड़ा बहुत घुमा हमने, आप लोगों को भी घुमाया।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलें बाय बाय।